ये स्टूडेंट्स, ब्लेड के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एट टाइम्स हो सकता है कि टेम्पलेट के अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत फील हो कि आपने कोई कंडीशंस यूज़ करनी है, किसी एक कंडीशन की बेस पे कोई आपने वैल्यूज़ जो हैं वो या डाटा जो है आपने रेंडर करना है। तो ब्लेड के अंदर हमारे पास कंडीशंस यूज़ करने का अपना एक सिंटैक्स है। लेट्स हैव अ लुक इनटू इट। लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल पास करें डाटा, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यू यूज़ की थी, और हम लोग एक और वेरिएबल पास करते हैं एज, और उसके अंदर हम लोग एज पास कर देते हैं लेट्स से 21। ठीक है, तो अब ये दो वेरिएबल्स हम लोग जो है वो पास कर रहे हैं। इस वेरिएबल को हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब वेरिएबल को डिस्प्ले करना है तो हम लोग डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो वो हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें एज 21 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब लेट्स से इस एज की बेस पे हम लोग यंग, एडल्ट और ओल्ड जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जी अगर हमारे पास एज जो है वो लेट्स से लेस देन 18 है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट जो मैसेज डिस्प्ले करना चाहें वो हम लोग यंग डिस्प्ले करना चाहें। तो इसका सिंपल सा हमारे पास सिंटैक्स है, हम लोग इफ़ लिखेंगे और फिर आगे हम लोग कंडीशन लिख देंगे एज इज लेस देन 18, और फिर हम लोग जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग कहते हैं कि यंग, फिर एल्स इफ एज इज लेस देन 60, हम लोग उसके अगेंस्ट जो है वो लेट्स से एडल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, और एल्स में कि अगर 60 से ज़्यादा एज है तो हम लोग ओल्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, या सीनियर लेट्स से डिस्प्ले करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं कि यू आर, और फिर के बाद टैग को क्लोज करते हैं। तो आप देखें कैसे हमारे पास जो है वो प्लेट को यूज़ करते हुए ब्लेंड इन हम लोग कर सकते हैं कंडीशंस को और HTML के टेक्स्ट को। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स सी व्हाई डिड वी गेट दिस एरर। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इफ के अंदर हम लोग एक मैसेज, एल्स इफ में और फिर एल्स में एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, फॉर एवरी कंस्ट्रक्ट यू हैव टू क्लोज इट। जिस तरह इफ है तो आपको उसके लिए एंड इफ यूज़ करना पड़ेगा, अगर फॉर है उसके लिए आपको एंड फॉर यूज़ करना पड़ेगा, तो यू हैव टू क्लोज द स्टेटमेंट एज वेल। अब यहाँ पे जब हम लोग एंड इफ लिखेंगे तो होपफुली द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें कि आपके पास यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आ गया यू आर एडल्ट। और अगर हम लोग इसको अकॉर्डिंगली एज जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लेड को यूज़ करते हुए हम लोग कितना इजीली जो है वो कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ब्लेड के अंदर कंडीशन है जो हमारे पास PHP में उसका सिंटैक्स नहीं मिलता, दैट इज़ अनलेस, राइट। तो अनलेस जो है वो काइंड ऑफ नॉट के कॉन्टेक्स्ट में होता है, इफ़ नॉट सम कंडीशन है। तो अनलेस के अंदर हमारे पास आप ये समझें कि नॉट कंडीशन जो है वो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव है। तो अनलेस हमारे पास हम लोग ये कहते हैं एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हम लोग जो है वो मैसेजेस चेक करा देते हैं यू आर एलिजिबल। तो अब हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है ये हमारे पास ट्रू है, इस वजह से हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब अगर हम लोग जो है वो एज को चेंज कर देते हैं, लेट्स से 28 से हम लोग इसे 15 कर देते हैं, और फिर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपके पास लिखा हुआ आ गया यू आर एलिजिबल। तो इस तरीके से आप अनलेस की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि जब आपके पास ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो फिर हमारे पास जो भी हम लोगों ने आगे टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है या जो कुछ भी डिस्प्ले कर रहे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए।